मैं अभी मुर्ग बना रहा हूँ। ये प्याज गुलाबी हो गया है और ये चिकन है और अरवी है मुर्ग अरवी। ये मैं छील के इसको नमक डाल के रखा थोड़ी देर के लिए, अब धो लिया। तो ये पोल्ट्री का चिकन है, फ्रेश चिकन है। ये अदरक लहसुन और टमाटो पेस्ट है। तो दाल चीनी में इसमें इसको मैसे गिरा दीजिए। ये इंग्रेडिएंट है, नमक है, ये सूखी मेथी है, लाल मिर्च है, ये ऑल पर्पज सीजनिंग है आधा आधा चम्मच, हल्दी है आधा चम्मच और आधा चम्मच ये गरम मसाला है और ज़ीरा है। बस ये चीज़ें हैं जो इसमें जाएंगी। सब थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए इसमें, थोड़ा सा हल्का सा शोरबा सा होगा क्योंकि वो ग्रेवी जितना होगा थोड़ा गारा सा शोरबा। ये जो है तकरीबन ये जो अरवी है ये इसमें जाएगी। लेकिन ये दोनों साथ ही पकने हैं, तो मुर्ग और ये अरवी जो है ये साथ साथ पकने हैं। इसको मैं तकरीबन पाँच मिनट भूलूँगा, उसके बाद मैं दो गिलास छोटे गिलास में पानी भी डालूँगा। और अगर ग्रेवी और चाहिए होगी पानी बाद में डाला जा सकता है। और इसका मैं नमक चेक करूँगा जब तकरीबन पक जाएगा, तो थोड़ा सा नमक अगर चाहिए होगा तो डालूँगा, नहीं तो फिर नमक वही रहेगा जो डाला हुआ रहेगा। ग्रेवी को चेक करना है लास्ट पे जब यह गल जाएगा, एक घंटे से कम ही होगा। तो जैसे ये गल जाएंगी दो ही चीज़ों से तो ये तैयार हो जाए। बाकी हर चीज़ कॉमन सेंस है। इसको मैंने मसालों को थोड़ा काट वाट के पहले से रखा है, वो टाइम बच जाता है। ये वीडियो क्योंकि मैं शॉर्ट बनाता हूँ, बहुत लंबे वीडियो नहीं है। और ये पकने का टाइम एक घंटे के करीब करीब है, 45 मिनट से एक घंटे तक ये तैयार हो जाएगा। अब इसको मैं कवर कर दूंगा और उसके बाद इसको मैं पकने दूंगा थोड़ी देर के लिए।